तो आज हमने सरवाइव किया है माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज। ये सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। पिछले एपिसोड में हमने 40 डेज सरवाइव किया था, जहां पर हमने अपने लिए एक शानदार सा घर बनाया था और अपने आप को फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया था। जिन्होंने यार पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख सकते हो। अब आगे तो 42वें दिन डेजर्ट में गेड़ियाँ मारते मारते मुझे देखा एक डेजर्ट टेम्पल। डेजर्ट टेम्पल को देखते मेरे मन में लड्डू फूटा कि अब हमें मिलेगा इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। तो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल को लेने के इरादे से मैं सीधा डेजर्ट टेम्पल में घुस गया, लेकिन अंदर जाते ही हमारा वहाँ पे हो गया पोपट और मुझे चारों चेस्ट में सिर्फ कूड़ा कूड़ा और कूड़ा मिला। कूड़े के नाम पे इन्होंने मुझे सिर्फ 2 गोल्डन एप्पल दिए, जो कि मैं खुद भी क्राफ्ट कर सकता था, लेकिन यार मैं तो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल लेने आया था जो कि मुझे नहीं मिला। और उसके बाद मैं अपना निराश चेहरा लेकर सीधा अपने घर लौट आया और घर आके मैंने डिसाइड किया कि अपने लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए, जहाँ पर मैं अपने विलेजर्स को रखूंगा, उनसे ट्रेड करेंगे और काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे। तो एक रात काम करते करते मेरी एक्सपीरियंस 30 हो चुकी थी, जिससे मुझे आइडिया आया कि क्यों ना अपनी स्वॉर्ड पे इंचेंटमेंट लगा लिया जाए। तो सीधा मैं चला गया अपनी स्वॉर्ड को इंचेंट करने के लिए और वहाँ जाके मुझे अपनी डायमंड स्वॉर्ड में शार्पनेस 3, नॉकबैक 2, लूटिंग 2 और अनब्रेकिंग 3 जैसी एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी। और अगले दिन से मैंने विलेजर ट्रेडिंग हॉल पे काम करना शुरू कर दिया। जो कि काम पूरे 10 दिन चला। 10 दिनों की मेहनत के बाद ये शानदार सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका था। जिसे बनाने में मैंने अपने घर से ज़्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अपने विलेजर्स यहाँ से मुझे अमीर बना देंगे, काफ़ी सारी बुक्स देंगे, काफ़ी सारे एमरल्ड देंगे और धीरे धीरे करके मैं अंबानी बन जाऊँगा। तो अंबानी बनने के लिए हमें चाहिए थे काफ़ी सारे विलेजर्स। तो सीधा मैं चला गया विलेजर्स को लेने के लिए, उनको थोड़ा खिलाया पिलाया, लंच कराया, डिनर कराया और उनकी जनसंख्या बढ़ा डाली। लेकिन वो फ्री में हमारे लिए काम करने वाले नहीं थे। तो अगले दिन मैंने शुरू किया एक फार्म बनाना। फार्म बनाने में मैंने पूरे 5 दिन लगाए और 5 दिन की मेहनत के बाद हमारा काफ़ी बड़ा फार्म बनके रेडी हो चुका था, जो कि हमें हेल्प करने वाला था अंबानी बनने में। तो अगला हमारा काम था काफ़ी सारा पैसा कमाना और अपने टूल्स और अपने आर्मर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। काफ़ी सारी कैरेट, व्हीट, पेपर वगैरह हर एक चीज़ लेके मैंने काफ़ी सारा ट्रेड किया अपने ब्रेजर्स के साथ, जिन्होंने मुझे काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें दी। काफ़ी सारी बुक्स मुझे मिल चुकी थी, काफ़ी सारे मुझे एमरल्ड भी मिल चुके थे और मेरी एक्सपीरियंस धगाधक बढ़े जा रही थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली थी अपने टूल्स पे एन्चेंटमेंट लगाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद मैंने फाइनली काफ़ी सारी बुक्स को कलेक्ट कर लिया और सीधा चला गया अपने एन्चेंटमेंट रूम में, जहाँ पर मैं अपने टूल्स और आर्मर पे लगाने वाला था एन्चेंटमेंट। तो अपने आर्मर पर इंचेंटमेंट लगाने के बाद हमारा आर्मर थोड़ा बहुत पावरफुल बन चुका था, लेकिन अभी भी इतना पावरफुल नहीं था कि हम एंडर ड्रैगन को हरा सकें। तो अगला हमारा काम था इन सब पे मेंडिंग लेना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया अपने विलेजर्स के साथ, लेकिन हमारा कोई भी लाइब्रेरियंस रेडी नहीं था हमें मेंडिंग देने के लिए। तो काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद हमें मेंडिंग नहीं मिली, तो मैंने सीधा डिसाइड किया कि क्यों ना नैदर में जाया जाए और नैदर में जाके काफ़ी सारी तबाही मचाई जाए और काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा जाए। तो अगले दिन मैं सीधा चला गया नैदर में। नैदर तो मैं आ चुका था, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मुझे एक नैदर फोर्ट्रेस ढूंढनी है, जहाँ पर मैं काफ़ी सारी लूट लेके अपने घर पे जा सकूँ। हो सके तो हमें वेदर स्केलेटन भी मिल जाएंगे, तो उनकी स्कल भी ले लेंगे, क्योंकि हमारी स्वॉर्ड पे लगी हुई थी लूटिंग 2। अभी बस मैं नैदर में आके ये डिसाइड ही कर रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, कि अचानक से मेरा सामना
चुड़ैलों को हरा के मैं सीधा चला गया नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। लेकिन पूरे 3 दिन तक नेदर में घूमते घूमते हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई नेदर फोर्ट्रेस देखने को नहीं मिलती, बस ये टूटे फूटे से बोन ब्लॉक मिले थे जो कि मैंने कलेक्ट कर लिए, जो कि कभी ना कभी काम आ जाएंगे। तो अगले दिन मैं ढूंढते ढूंढते ऐसे जा रहा था कि मुझे अचानक से बेस्टियन देखने को मिल चुका था। तो बेस्टियन देख के मैं सीधा घुस गया बेस्टियन को लूटने के लिए, जहां पर मेरी शुरुआत सीधा गोल्ड ब्लॉक पे हुई, जहां पर मुझे 15 गोल्ड ब्लॉक देखने को मिल चुके थे। तो यार शुरुआत ही इतनी बढ़िया हुई थी, तो अंदर पता नहीं कितनी शानदार हमें लूट देखने को मिलने वाली थी, लेकिन क्या पता था कि अंदर जाके हमारा पोपट होने वाला है। तो पूरा बेस्टियन छानने के बाद मुझे सिर्फ इसमें एक चेस्ट मिली, जिसमें कुछ गोल्डन कैरेट के अलावा कुछ भी ढंग का था नहीं। तो निराश होकर मैं बेस्टियन से भी वापस निकल गया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इसमें मुझे चेस्ट के अंदर एंशिएंट डेब्रिस देखने को मिल जाएगा, पर हमें नहीं मिला। तो काफ़ी थक हार के मैं सीधा अपने घर लौट आया। तो घर आके मैंने सोचा क्यों ना ब्लेजर्स के साथ थोड़ा सा और ट्रेड किया जाए, ताकि मुझे वो मेंडिंग दे दे, पर मुझे क्या पता था कि यार ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ ब्लेजर्स हैं, ये मुझे मेंडिंग नहीं देने वाले थे। पूरे 2 दिन की मेहनत और इतनी सारी ट्रेड करने के बाद भी इन्होंने मुझे मेंडिंग नहीं दी। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, ये सब बाद में करेंगे, रेड कराएंगे बाद में, तब इनसे लूटेंगे इनको अच्छे से। तो मैंने दोबारा डिसाइड किया नेदर में चलते हैं, नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढते हैं, तभी वापस आएंगे। तो सबसे पहले जाके मैंने अपनी डायमंड पिकैक्स को रिपेयर किया, क्योंकि उस पर मेंडिंग नहीं लगी हुई है, वो एक्सपी से रिपेयर नहीं होगी, तो मुझे डायमंड से रिपेयर करनी थी। और साथ ही साथ मैंने 2 एक्स्ट्रा पिकेक्स भी रख ली थी, जो कि मुझे इमरजेंसी में काम आ सकती थी। और थोड़ा बहुत फूड लेके मैं सीधा चला गया नेदर में। और इस बार मैं जाने वाला था अपोजिट डायरेक्शन में, पिछली बार मैं लेफ्ट साइड में गया था, इस बार मैं राइट साइड में जाने वाला था। नेदर में घुसते ही मेरा मुकाबला सबसे पहले मैग्मा क्यूब से हुआ, जिसे मार के मुझे मैग्मा क्रीम मिल चुकी थी, जिसे मैं पोर्शन वगैरह बना सकता था। तो इसको ढेर करने के बाद मैं सीधा चला गया नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। 2 दिन की मेहनत और काफी सारा छानबीन करने के बाद 72वें दिन हमें मिल चुका था नेदर फोर्ट्रेस। नेदर फोर्ट्रेस में घूमते घूमते मुझे सबसे पहले नेदर वॉर्ड देखने को मिल चुके थे, जिसे मैं पोर्शन बना सकता था, तो वो भी मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए, इनका भी हम फार्म बना सकते हैं। थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक चेस्ट देखने को मिली, जिसके अंदर मुझे डायमंड और गोल्ड हॉर्स आर्मर देखने को मिल गया था, लेकिन मेरे पास तो हॉर्स ही नहीं था, पर फिर भी मैंने दोनों को ले लिया, क्योंकि फ्यूचर में हम हॉर्स को भी रखने वाले हैं। और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे ब्लेज का स्पॉनर देखने को मिल गया, लेकिन वहाँ पर एक भी ब्लेज मुझे देखने को नहीं मिल रही थी। उनसे मुझे मिल चुके थे 14 ब्लेज रॉड। उन 14 ब्लेज रॉड को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल ही रहा था अपने घर के लिए, कि सामने से विदर स्केलेटन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और बाल बाल बचते हुए मैं सीधा निकल गया अपने घर की ओर। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 75 डेज। तो यार वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अगले 25 दिन आपको देखने को मिलेंगे इसके एपिसोड नंबर 3 में। जब तक आप एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं, और मेरी सर्वाइवल सीरीज भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।